हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में। ये स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में कुछ लिखने के लिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, या GD में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ग्रुप डिस्कशन का कोई टॉपिक आपको मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं आज की सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। ओके, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। देखिए दोस्तों, ये क्या है? पहला पॉइंट, गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये पेंशन स्कीम है किसके लिए? जैसे मजदूर लोग हैं उनके लिए। अनऑर्गेनाइज मीन्स जैसे कि सर्विस वाले हैं उनको छोड़ दीजिए आप, जिनको पेंशन मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो मजदूर करते हैं, लेबर फैक्ट्रीज में हैं, वो सब उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। पुराने टाइम पे क्या था? दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा है कि इस स्कीम का पुराना नाम क्या था, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है रिटिन में, आप डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने यही स्कीम स्वावलंबन योजना के नाम से जारी की थी। दोनों ही स्कीम्स में थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं, लेकिन दोनों ही पेंशन स्कीम हैं। ओके, तो पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कौन लोग ले सकते हैं? मिनिमम एज 18 ईयर्स, यानी कि बालिग होना आपका जरूरी है। ओके, आप 18 साल के बाद अटल पेंशन योजना को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है, यानी कि 40 साल तक का व्यक्ति इस योजना में अपना हिस्सा ले सकता है और पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पेंशन कब मिलेगी? स्टार्ट ऑफ पेंशन 60 ईयर्स, जैसा कि नॉर्मल सभी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, उसी तरह इसकी भी जो पेंशन का रखा गया है वो आपको 60 साल के बाद ही मिलेगी। अगला प्रश्न उठता है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी? तो पेंशन का यहाँ पर 5 रखे गए हैं, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 के लिए प्रीमियम कम होगा, 5000 के लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा। प्रीमियम का क्या है कि प्रीमियम आपकी उम्र यानी कि एज और कितनी पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 18 साल के व्यक्ति 1000 के लिए अप्लाई करता है तो वो प्रीमियम कम होगी, 18 साल का व्यक्ति 5000 के लिए करता है तो ज़्यादा होगी, वहीं अगर 40 ईयर्स का व्यक्ति 5000 के लिए करता है तो वो सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब 18 साल से शुरू करके 40 ईयर्स के लोग दे सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ इस स्कीम को। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज अगर किसी ने जमा किए तो उसका 50%, 500 गवर्नमेंट उसके खाते में अपने पास से जमा करेगी अटल पेंशन योजना में। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है वो 1000 ही रहेगी। अगर कोई आदमी 5000 रुपये का लेता है और 5000 से ऊपर हो जाता है उसका, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, केवल 1000 ही रुपये देगी। यानी कि अगर 2000 से ऊपर का अगर किसी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके, इसमें ऊपर का कुछ भी गवर्नमेंट नहीं देगी, केवल मैक्सिमम लिमिट 1000 तक ही देगी। और ये शुरुआत में ही दी गई थी, अभी नए अकाउंट्स में ये सुविधा नहीं है। और उन अकाउंट्स में जिनमें ये सुविधा दी गई थी वो 5 साल तक जारी रहेगी। मैं रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका 50% और 1000 या 1000। ओके, यानी कि मैक्सिमम 1000, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा, टू ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक। ऑन डेथ पेंशन टू द स्पाउस, अगर जो व्यक्ति जिसने पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना को ले रखा है उसकी डेथ हो जाती है तो जो पेंशन है, जो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उसकी स्पाउस यानी कि पत्नी को मिलेगी। अगर यही 22वां वर्ष है, फॉर एग्जाम्पल अगर पत्नी की डेथ होती है, उसने ले रखी है, तो उसके हस्बैंड को मिलेगी। स्पाउस का मतलब किसी को भी। फंड्स टू नॉमिनी, लास्ट में क्या होता है, जो फंड फंड इसको कॉर्पस भी बोलते हैं, जो कॉर्पस है, जो इकट्ठा हो जाएगा जो पैसा है, वो नॉमिनी, जो भी उस योजना के अंतर्गत नॉमिनी नॉमिनेट कर रखा है उसको मिलेगा। ये कितना मिलेगा देखो दोस्तों, 1.70 लाख, 3.40 लाख, 5.10 लाख, 6.80 लाख और 8.5, यानी कि 8.5 लाख। 1000 वाला जिसने अप्लाई किया है, जिसने 1000 के लिए, उसको मिलेगा 1.70 लाख,
2000 वाले को मिलेगा 3.40 लाख, 3000 वाले को मिलेगा 5.10 लाख, ये 4000 वाले को और ये 5000 वाले को। द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द स्कीम इज टू बी मैनेज बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब जो फंड जो ये हो रहा है उसको कौन मैनेज कर रहा है? PFRDA। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसे याद कर लीजिए। तो ये हमने आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बताया, पेंशन स्कीम है। ओके, अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शॉर्ट में इसको PMJJBY बोला जाता है। आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी गवर्नमेंट जो सरकार है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये है क्या? टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है दोस्तों? टर्म लाइफ, टर्म जहाँ पे भी टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग है, तो टर्म इंश्योरेंस में आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी प्रीमियम आपका जाता है उसमें से कुछ भी आपको वापस नहीं मिलता है। जैसे मनी बैक पॉलिसीज में आपको वापस मिलता है, कुछ पॉलिसीज में आपको बोनस मिलता है, कुछ भी पॉलिसीज में आपको समय सोड़ मिलता है, लेकिन दोस्तों टर्म लाइफ जो इंश्योरेंस होता है इसमें जो भी प्रीमियम गया वो गया, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता है। ये आप समझ लीजिए, टर्म लाइफ यही होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो जब भी डेथ होगी तब आपको पैसा मिलेगा, अगर डेथ हुई तो। अगर डेथ नहीं हुई तो आपको कुछ भी इस पॉलिसी में नहीं मिलना है। कौन लोग इसे ले सकते हैं? एज ग्रुप 18 से लेकर के 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और इस पॉलिसी में बैंक अकाउंट उसका होना जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। नॉर्मल आप LIC या किसी भी अन्य बीमा कंपनी के पास जाते हैं तो आप बिना बैंक अकाउंट के भी पॉलिसी ले पाते हैं, लेकिन इस स्कीम में क्योंकि पैसा आपका बैंक अकाउंट से कटना है इसलिए ये बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंडेटरी है। प्रीमियम कितना होगा? 330 330 INR, यहाँ पर इंडियन रुपीज़ के लिए लिखा गया है, पर ईयर। हर साल का ये प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम है जो आपके अकाउंट से काट लेगा बैंक। द अमाउंट विल बी डिडक्टेड ईच ईयर फ्रॉम द बैंक अकाउंट। दिस विल बी डन बाई द बैंक फ्रॉम वेयर द पॉलिसी इज बी ओपन्ड। ये तो सेम बात है, जहाँ पर अकाउंट होगा, जिस बैंक में भी आपने खाता खोला है वही इस काम को करेगा। आपको इंश्योरेंस कितना है? अगर डेथ होगी तो आपको मिलेगा कितना? तो दोस्तों आपको मिलेगा 2 लाख रुपया। आपका 330 का प्रीमियम है और आपको जो पेमेंट होगा वो होगा 2 लैक्स, यानी कि आपके नॉमिनी को, आपको तो नहीं, आपके नॉमिनी को, जिसने भी उसको पॉलिसी ली है उसको। यहाँ पे आपको कहना गलत है, अतः जिसने भी पॉलिसी ली है उसके नॉमिनी को। पॉलिसी पीरियड एज ऑफ 55 ईयर्स, कब तक मिल सकता है? देखिए 50 साल तक का व्यक्ति इसको ले सकता है, लेकिन जो पॉलिसी चलेगी वो 55 ईयर्स तक चलेगी, यानी कि 55 साल तक की उम्र में भी डेथ होगी तो उसको मिलेगी, लेकिन वो क्या होगा कि उसको प्रीमियम देता रहना पड़ेगा। जैसे कि 50 के व्यक्ति ने लिया तो उसको 51, 52, 53, 54, 55 सभी ईयर्स में प्रीमियम भी देना पड़ेगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वन पॉलिसी पर पर्सन अलाउड, इसका मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल बीमा पॉलिसीज में होता है कि आप 4, 6, 10 जितनी भी पॉलिसी ले लेते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। ये गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो इसमें वन पॉलिसी वन पर्सन का नॉर्म रखा गया है। इसका मतलब आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं, आपके अगर 10 बैंक में अकाउंट है फिर भी आप एक बैंक से ही ले सकते हैं। अगर आपने 2 बैंक से ले रखी हैं तो ये मान्य नहीं होगी, आपको भुगतान नहीं होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। देखो दोस्तों, पहली पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी वो था आपका टर्म इंश्योरेंस, और ये है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो कुछ मिलेगा, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति इस PMSBY स्कीम को ले रहा है उसको एक्सीडेंट के केस में पैसा मिलता है। कौन लोग ले सकते हैं? 18 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के 70 साल का व्यक्ति जिसका बैंक का खाता हो, जैसे कि पिछली स्कीम में था, इसमें भी बैंक का खाता मैंडेटरी है, वो इस स्कीम को ले सकता है। एनुअल प्रीमियम कितना है? 12 रुपये। 12 रुपये का प्रीमियम दीजिए और इस योजना का हिस्सा बनिए। अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली, ये वही पॉइंट है जो पिछली बार था, इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ और फुल डिसेबिलिटी। फुल डिसेबिलिटी अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति की दोनों आंखें खराब हो जाएं, दोनों हाथ हो जाएं या दोनों पैर खराब हो जाएं, तो इसको फुल डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो जब भी फुल डिसेबिलिटी होगी
तो उसको मिलेंगे, नॉमिनी का जो भी होगा उसको मिले जाएगा 2 लाख रुपया। कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख। 12 का आपने प्रीमियम दिया, एक्सीडेंट में अगर फुल डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आपको मिलता है 1 लाख, यानी कि आधा। क्योंकि पार्शियल मतलब एक आँख खराब हो जाए, एक पैर, एक हाथ, तो आपको 1 लाख मिलेगा। फुल डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज लॉस ऑफ बोथ आइज, हैंड्स और फीट। पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज द लॉस ऑफ यूज इन वन आई, हैंड और फुट। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया था, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये स्कीम्स बैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये स्कीम्स अच्छी लगती हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पज़ केवल आपको इन स्कीम्स को समझाना था। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम तो केवल आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आई है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है, ये होती क्यों है सोशल सिक्योरिटी, ये हमने बताया ही आपको, क्योंकि समाज का सुधार के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ओके, इसलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अब हम फिनिश करते हैं इस वीडियो को एक निवेदन के साथ कि जो भी लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए एक बार, सब्सक्राइब आप करेंगे ही मैं जानता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से, चक दे विद नॉलेज।